नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में कल 8 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने वाले है। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है मथुरा और मेरठ की सीट की। चर्चा क्यों है? क्योंकि मथुरा से बीजेपी ने अपनी सांसद हेमा मालिनी को उतारा है और हेमा मालिनी बीजेपी की स्टार प्रचारक भी है, काफी बड़ा चेहरा बीजेपी की मानी जाती है। वहीं इस बार मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दांव खेला है कि रामायण के किरदार में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया है और लगातार 3 बार से जीत रहे प्रत्याशी को टिकट काट दिया उनका। अब बीजेपी को ये खेल कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि उम्मीद बड़ी डगमगा रही है मेरठ में भी और मथुरा में भी। मथुरा में जनता खुश नहीं है और मेरठ में राम के नाम पर जब अरुण गोविल वोट मांग रहे हैं तो काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मैं मेरठ से उठाना चाहूंगा। मेरठ में 3 बार से लगातार जीत रहे प्रत्याशी को बीजेपी ने बदल दिया। 2009 से बीजेपी का दबदबा देखिए माना जा रहा है मेरठ में जी। समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं पा रही है मेरठ से, कोई दूसरी पार्टी जीत ही नहीं पा रही है। ऐसे में अब ये चर्चा हो रही है कि अरुण गोविल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जी। अरुण गोविल जो है बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं और इस बार बीजेपी की हार पक्की है और बीजेपी को इस बार ये दाव जो है वो भारी पड़ सकता है। क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? देखिए बिल्कुल, और कह सकते हैं कि प्रथम चरण का चुनाव हुआ उसमें भी यही बात कही जा रही थी कि क्या बीजेपी ने कहीं कोई सिलेक्शन में गलती कर दी है, क्या जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें बहुत दमखम नहीं बचा है। क्योंकि अगर मथुरा की अगर इस चरण की बात करें तो मथुरा में हेमा मालिनी को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा, जबकि 2 बार वो चुनाव जीती हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों में गुस्सा है कई चीज़ों को लेकर, कई बातें ऐसी हैं जिसको लेकर लगातार हेमा मालिनी से लोग गुस्सा भी हैं, नाराज भी हैं, क्योंकि बहुत सारे काम जो उन्होंने वायदे किए थे वो अब तक जस के तस है। इसी बात को लेकर यही बात की चर्चा है कि क्या हेमा मालिनी से बेहतर कोई चेहरा नहीं मिल सकता था। आपने देखा कि एक बार फिर वो खेत में पहुंची, गेहूं काटते हुए नजर आती है। इससे पहले भी 2019 में वो खेतों में पहुंची थी, गेहूं काटते हुए नजर आई थी, तब भी लोगों ने ये बात कही थी कि इनको क्या सिर्फ चुनाव में ही खेत दिखाई देते हैं, उसके अलावा ये कहाँ रहती है कोई खबर नहीं। तो ऐसे में बीजेपी को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं कि उनको जमीनी लेवल कोई प्रत्याशी उतारना चाहिए ताकि जनता की सेवा वो वहाँ पर रहकर कर सके। आपने देखा कि जब संजय बल गुरदासपुर चुनाव जीते हैं उस समय भी उनके लिए पूरा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान में जाकर उन्होंने नल उखाड़ दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। लेकिन जब चुनाव में जीत के बाद वहां के लोगों ने देखा तो सनी देओल की उपस्थिति वहां पे ना के बराबर थी और बहुत सारे लोगों ने उनके लापता होने के पोस्टर लगाए। यही वजह थी कि बीजेपी को इस बार उनका टिकट काटना पड़ा। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल यहाँ पर बीजेपी को वाकई अपने चेहरों पे बदलाव की ज़रूरत लगी और बदले गए। तो ऐसे में क्या मथुरा से उन्होंने सीट ना बदल कर कहीं ना कहीं या प्रत्याशी का चेहरा ना बदल कर कहीं ना कहीं अपने लिए कोई कह सकते मुश्किल मोल लिए? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई और चेहरा होता, फ्रेश चेहरा होता तो शायद बात बन सकती थी। वहीं अगर मेरठ की बात कीजिए, आपने सही कहा कि 3 बार से लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद रहे हैं अग्रवाल समुदाय से आते हैं और उन्होंने लगातार यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन उनको हटाकर कह सकते हैं कि जो टीबी के राम हैं अरुण गोविल उनको टिकट थमा दिया। और देखिए वो भी अगर जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कई तरह वीडियो उनके भी सामने आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं मुद्दे क्या हैं, कह रहे हैं मुद्दे तो मैं चुनाव के बाद देखूंगा, ऐसे तम ढेरों सवाल हैं जो लोग उनसे करते हुए नजर आते हैं लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पाते हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए क्या भारी पड़ सकती है और यहाँ पर क्या यूनिया गठबंधन इसी खामी का कहीं ना कहीं फायदा उठाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि एक तो बीजेपी यूपी के अंदर वैसे ही वोट का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर कल का जो दिन होगा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि हम तो सबसे अपील करेंगे कि घरों से निकलिए, जरूर वोट कीजिए, क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो आपका बहुत मजबूत ताकतवर अधिकार है, उसको आप ज़ाया मत जाने दीजिए। घरों से निकलेंगे तभी कोई बेहतर सक्षम जो कह सकते हैं प्रत्याशी है वो निकल कर सामने आएगा। और यही वजह है कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर हमने देखा कि जो मत था वो लगभग 50 के आसपास रहा, तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उतना स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, उसको और बेहतर होने की ज़रूरत है। खैर, अगर इन दोनों सीटों की जिस तरह से आपने जिक्र किया, अगर बीजेपी यहाँ पर जो है आक्रामक तरीके से कोई बड़े चेहरे लेकर आती या फिर कोई बड़ा प्रचार प्रसार करती तो शायद स्थिति बदल सकती। लेकिन जैसा लग रहा है कि अरुण गोविल भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आने, भाई हेमा मालिनी भी अभी कल का स्टेटमेंट देखिए आप कहती हुई नजर आई कि मैं अपने पति के मना करने के बावजूद भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र ने मना किया कि आप चुनाव मत लड़ो लेकिन मैं फिर भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कहां से कहां पहुंच चुका है।
सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हमेशा आरोप लगते हैं कि वो जनता के इमोशन से खेलती है। अब इमोशन से जब नाम सामने आता है तो मुझे थोड़ी सी कुछ बातें याद आती हैं मथुरा और मेरठ की सीट से। देखिए, मथुरा से हेमा मालिनी को दोबारा टिकट दे दिया गया, तीसरी बार मतलब उतारा गया मैदान में, और मेरठ से उतारा गया नए चेहरे को, राम भगवान का जो किरदार निभाते थे अरुण गोविल को। दोनों ही जो है स्टार रह चुके हैं अपने जमाने में, दोनों ही बहुत बड़े स्टार हैं। अरुण गोविल तो रामायण के पूरे किरदार को, जो सीता माता का जिन्होंने किरदार निभाया था दीपिका चिकलिया जी, और जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था उनको बुलाकर उन्होंने एक रोड शो भी करा। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने फिर से लोगों के इमोशन से खेलने की कहीं ना कहीं कोशिश करी। और वहीं हेमा मालिनी, जिनका जो एक डायलॉग देखिए काफी ज्यादा फेमस रहा है शोले फिल्म में, वो अपनी डायलॉग बोलती नजर आती हैं अपनी हर चुनावी जनसभा में। तो ये मतलब जो दोनों ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोनों ही बीजेपी के नेता हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं जनता के इमोशन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय अरुण गोविल वहां पर पहुंचे थे, और वहां पर पहुंचने के बाद जब उनसे पूछा गया तो बहुत नाराज दिखाई दिए कि मुझे तो किसी ने दर्शन तक करने का भी मौका नहीं दिया, और तमाम सारी बातें कहते नजर आए। लेकिन उसके बाद जिस तरह बीजेपी ने उनको मेरठ में चुनाव में उतारा, सब यही बात कह रहे थे कि आखिर अरुण गोविल की जरूरत क्यों बीजेपी को पड़ गई, क्योंकि यहां से लगातार जो तीन बार से प्रत्याशी है उनको हटाने की जरूरत क्या है, उनको ही टिकट देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने उनको हटाकर एक तरीके से राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट थमाया। तो तभी से प्रश्न लगातार उठ रहे हैं कि क्या राम के नाम पर बीजेपी एक बार फिर वोट वसूलना कह सकते हैं कि लेना चाहती है, सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही अयोध्या के अंदर हमने देखा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे में जो राम की भूमिका में सबसे सशक्त अब तक नजर आए हैं अरुण गोविल, उनको उतार कर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में करना चाहती है। तो ऐसे तमाम सारे कह सकते हैं आरोप विपक्ष लगाए बीजेपी के ऊपर, और कई जगह देखा भी गया कि जिस तरह से अरुण गोविल ने राम का नाम लेकर प्रचार किया, तस्वीर लेकर उनका प्रचार किया, उसको लेकर भी काफी आलोचना हुई। तो ऐसे कई पहलू हैं, ऐसे कई चीजें हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को जिस लेवल पे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी उतारने चाहिए थे, मेरठ चूंकि एक बहुत मजबूत सीट है और सबसे बड़ा दलित वोट बैंक भी यहीं पर माना जाता है, तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर जो चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं, किस तरह वो जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, किस तरह का प्रदर्शन वो करेंगे, ये तो खैर चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हेमा मालिनी के टिकट को लेकर भी चर्चा थी कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिला है। तो अब ऐसे में जनता उनके तरफ कितना आकर्षित होती है, ये देखने वाली बात होगी। सर बस मेरा आपसे आखिरी सवाल और है, वही मथुरा सीट को लेकर। देखिए, हेमा मालिनी को ये चर्चा चल रही थी, आपने बोला शुरुआत से टिकट कटने की। बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट काट दिए, बीजेपी हेमा मालिनी का टिकट क्यों नहीं काट पाई? इस बार तो जनता भी नाराज चल रही है, और जनता देखिए वोट देने के बिल्कुल मूड में है ही नहीं मथुरा के अंदर, हेमा मालिनी के लिए शुरुआत से नाराज दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा सही बात है कि चेहरा बदल सकते थे। देखिए, जयंत चौधरी ने भी कहा कि भाई हमारा भी समर्थन उनके लिए, लेकिन यही जयंत चौधरी हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ये कोई पॉलिटिकल बात है हालांकि, लेकिन जिस तरह से चेहरा बदलने की बात है तो जाहिर बात है कि बीजेपी ने कई तमाम बड़े बड़े सीटों के चेहरे बदले हैं, तमाम सिटिंग MP के टिकट काटे हैं। तो यहाँ पर हेमा मालिनी के टिकट को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनके ऊपर दाव लगाया, एक बार फिर उनको जो है टिकट देकर जो वहाँ से चुनाव लड़ाया है, तो अब देखना होगा कि किस तरह से उनके पक्ष में लोग आते हैं, किस तरह से मतदान होता है, और क्या कह सकते हैं कि हेमा मालिनी नरेंद्र मोदी जो PM है देश के, उनकी तरह तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी कि एक बार फिर सांसद बन पाएंगी, इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। साथ में क्या अरुण गोविल भी सांसद बनकर राम की जो भूमिका में नजर आए थे, क्या बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, इसको देखना मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी वाकई में, इस बार हेमा मालिनी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगी या फिर अरुण गोविल मेरठ से जीत दर्ज कर पाएंगे, दोनों ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। खैर, 4 जून को पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कि बीजेपी का ये फैसला बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।